जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माँ दुर्गा की एक ऐसी भक्त की कथा जिसमें उसने माँ दुर्गा को रक्त और मांस का भोग लगाना चाहा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक कन्या माँ अम्बे की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव माँ अम्बे का नाम जाप ही किया करती थी और प्रतिदिन माँ को हलवे का भोग लगाया करती थी। इस प्रकार जीवन निर्वाह करते करते एक दिन वो दिन आया जिसे अंतिम समय कहा जाता है। तब माँ अम्बे ने अपने भक्त को कोई कष्ट ना हो इसके लिए अपनी दो परम सखियाँ जया और विजया को उसके प्राण लेने भेजा। तब जया और विजया ने बिना किसी कष्ट के उसके प्राणों को उसके शरीर से पृथक किया और अपने साथ ले चली। अब वो समय था जब माँ दुर्गा को उस कन्या को दर्शन देने थे। माँ दुर्गा ने अपने अति विकराल महाकाली स्वरूप में उस कन्या को दर्शन दिए। माँ के इस रूप को देखकर भी वो भयभीत नहीं हुई और माँ के चरणों में गिर गई। तब माँ ने उस कन्या से कहा, ए कन्या, तूने सदैव मुझे हलवे का भोग लगाया किंतु मुझे तो रक्त और मांस ही अति प्रिय है। तब कन्या ने कहा, माँ, मुझे इस बात का पता नहीं था मैं किस प्रकार आपको रक्त और मांस का भोग लगाऊं। तब माँ कहती है, यदि तू सच में मुझे भोग लगाना चाहती है तो मैं तुझे एक दिन का जीवन और देती हूँ, जा मेरे लिए रक्त और मांस की व्यवस्था कर। कन्या को पुनः एक दिन का जीवन मिलता है और वह सुबह से शाम तक माँ दुर्गा के लिए रक्त और मांस ही ढूंढती रह जाती है किंतु उसे कहीं से भी रक्त और मांस नहीं मिल पाता। तब वह ये सोचती है कि क्यों ना मैं अपने ही रक्त और अपने ही मांस का माँ को भोग लगाऊं। ऐसा सोचकर वह अपनी गर्दन पर तलवार रख लेती है। तब माँ दुर्गा अपने अति सौम्य रूप माँ दुर्गा के स्वरूप में उसे दर्शन देती हैं अष्टभुजाओं के साथ। तब वह माँ से कहती है कि माँ, मैं आपके लिए रक्त और मांस की व्यवस्था नहीं कर सकी। तब माँ दुर्गा कहती हैं, भला कोई भी माँ अपनी ही कन्या की रक्त और मांस से कैसे प्रसन्न हो सकती है। इतना सुनते ही वह पुनः माँ के चरणों में गिरकर चरण वंदना करने लगती है। तब माँ उससे पूछती हैं कि कन्या, तुम मेरे इतने विकराल स्वरूप को देखकर भी भयभीत नहीं हुई, ऐसा कैसे। तब कन्या माँ से कहती है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के रक्त और मांस का सेवन नहीं कर सकती उसी प्रकार संतानें भी माँ के किसी भी स्वरूप से भयभीत नहीं हो सकते। माँ के सारे स्वरूप बच्चों के लिए कल्याणकारी ही होते हैं। इतना सुनने के बाद माँ ने उसे हृदय से लगाया और उसका उद्धार किया। तो जिस प्रकार माँ अम्बे ने उस कन्या का उद्धार किया, हम सबका भी उद्धार करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप तक लाती रहूं। जय माता दी।